हेलो, वेलकम है आज के इस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगी, बट इमोशनल वाला ब्लॉग है, तो मैं बोलूंगी नहीं। तो चलिए आज का मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह की मॉर्निंग से, जो लगभग मेरा सारा काम हो चुका था और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको धूप दिखा रही थी कि कितना धूप सुबह का हो चुका था। और सासुमा का तबीयत खराब था तो मैं उनको फ्रूट जूस दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तबीयत खराब, मतलब फीवर टाइफाइड है। तो उसके बाद मैंने उनको दे दिया जूस, तो फटाफट से मैं दूसरे कामों में लग गई थी। और मैंने किचन में ही चढ़ा दिया था, 7-8 दिन की मलाई रखी हुई थी, तो बस यहाँ मैंने चढ़ा दिया और उधर भी काम भी कर रही थी, और इधर मैं अनार भी छील के रखती ताकि बाबू भी खा सके। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आज, तो मैंने बनाया था आज क्या क्या लंच में, वो भी आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज का लंच जो मैंने क्या क्या बनाया, तो मैंने क्या क्या लंच में बनाया है वो भी आपको दिखा देती हूँ, और किसके लिए ये भी मैं आपका ब्लॉग में बताऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए, मूली का जो साग होता है वो मैंने धो के रख दिया और कट करके रख दिया था, तो मैंने बना रही हूँ कुकर में, क्योंकि कढ़ाई में जल्दी नहीं ये पकता। तो जीरा और मैंने काट के रखा हुआ था, तो मैंने इसको पकने के दे दिया, साथ में नमक हल्दी भी साथ में दे दिया। और जब ये पक जाए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब मैंने इसमें सूखा मिर्च दिया था दो। मिर्च देने के बाद मैंने थोड़ा इसमें हींग डाला था, क्योंकि हींग डालने से ना ये मतलब जो साग है बहुत ही अच्छा लगता है खाने से। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैंने हींग डाला था इसमें, और 3-4 सीटी होने के बाद ये हो चुकी थी, तो बस मुझे थोड़ा सा फिर भी लग रहा था ठीक नहीं, तो मैंने इसको कर दिया ग्राइंड और बना दी चटनी साग की। जब मैंने काट दी, फिर मैंने मसाला लिया, धनिया और जीरा है और सूखी मिर्च, अचार है और ये करेले का बीज है। मैंने थोड़ा सा इसमें साबुत सरसों दिया है, लहसुन दिया, सभी का मैंने बना लिया था पेस्ट। उसके बाद मसाला के लिए मैंने लिया था फ्राई करने के लिए जीरा और प्याज, हरी मिर्च, और यहाँ पे देखिए मैंने जीरा दे दिया है और साथ में ही दे दिया था सरसों और प्याज, हरी मिर्च मैंने डाल दिया था ताकि मसाला अच्छी तरह से बन जाए, और नमक हल्दी, क्योंकि हल्दी तो मैंने दे दी थी मसाले में ही, और हरी मिर्च मैंने ऊपर से डाला। और यहाँ पे देखिए प्याज हो चुकी थी गोल्डन ब्राउन, तो मैंने मसाला अच्छी तरह से बनाया और मसाले में अब फ्राई करने के टाइम पेशेंस रखिए ताकि मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो सके, नहीं तो कच्ची रह जाएगी, क्योंकि इसमें अचार मिला हुआ था। तो बस जी यहाँ पे मैंने थोड़ी देर उसको पकाया, और देखिए यहाँ पे भरवा करेला ले रही और बहुत ही ज्यादा यम्मी, सभी बहुत बढ़िया बना था, सभी ने कहा। आप लोग बताइए कैसा बना। इसको मैंने बनाने से पहले 2 घंटे नमक के पानी में रखा था, फिर उसको मैंने नमक के पानी में ही उबाला था गर्म पानी में, और मैंने बना दी सिंपल सी दाल, क्योंकि बाबू भी खाता है इसलिए मैं सिंपल सा ही दाल बनाती, सिर्फ इसमें मैंने छौंक लगाया था ये हींग और जीरा और सूखी मिर्च का। तो बस यहाँ जी लंच रेडी हो चुका था, मैंने थोड़ा सा देसी घी दे दिया था, और यहाँ मैंने बनाई थी पहले से ही पूरी। और यहाँ पे देखिए जी लंच रेडी है, जो सभी को पसंद आई। और किसके लिए बनाई थी, तो बनाई थी ननद के लिए जो आई है, लेकिन वो भी भैया के यहाँ चली गई, क्योंकि मेरे घर से पहले उन्हीं का घर पड़ता है। तो दोस्तों बस ये आज का लंच यही था। तो बस मैं सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, मेरे सभी भाइयों को, जो जिनके साथ मैं साथ खेल के बड़ी हूँ उसको भी, और जो मेरे YT के भाई हैं उनको भी। तो सबसे पहले मैं आज 2-3 भाइयों का नाम लेना चाहूंगी, मेरे जो जिसके साथ मैं बड़ी हुई उनका तो आप नाम जानते ही होंगे, और फिर भी मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। मेरे भाई का नाम है, पहले जो मेरे बाद है वो है सुमित, और उसके बाद जो है अमित, और छोटा भाई है बहुत, वो उसका नाम है निखिल, और जो मेरे YT के भाई हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जय भाई, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और दूसरे हैं औसम भाई, जो जिसको मैं औसम भाई बोलती थी, उनका नाम है आकाश। तो औसम भाई आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यही सब बोलते बोलते मैं थोड़ा सा रोने लगी थी, इसलिए मैं बार बार कैमरा बंद कर रही थी, क्योंकि मुझे बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बोल ही नहीं पा रही थी। ये ब्लॉग जिस टाइम शूट कर रहे थे उसके बहुत देर के बाद ही मैं वॉइस एडिटिंग कर रही हूँ, जब थोड़ा सा मुझे कम्फर्टेबल फील लगा तभी मैं कर रही थी। और उसके बाद हीरा लाल भाई जी, आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना, आप भी मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू आप तीनों भाइयों को। तो दोस्तों
मेरे जिसके बारे में मैं सोच रही थी कि वो आएंगे, वो तो नहीं आए, बट दूसरा ही कोई आ गया रक्षाबंधन में। तो बस मैं अपने भाई का वेट कर रही थी कि वो आएगा, बट इस रक्षाबंधन वो नहीं आया, इसलिए मैं उस टाइम रोने लगी थी। तो मुझे उस टाइम बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं किया, और एडिटिंग के टाइम भी मुझे रोना आ रहा था पता नहीं क्यों। सो अब मैं ना रक्षाबंधन के लिए मैंने ड्रेस भी निकाला था अपना कि मैं पहनूंगी, क्योंकि वो बोल रहा था कि आऊंगा आऊंगा, बट एंड मौके पर ऐसा काम आ गया कि तीनों में से किसी ने कोई भी नहीं आ पाया। सो बस आई है मेरी ननद आई है सिर्फ, कोई बात नहीं मैं नहीं बांध पाई तो मेरे हस्बैंड को तो बांधने वाली मेरी ननद आ गई राखी। तो मैं दिखाती हूँ जो मैंने रक्षाबंधन के लिए स्पेशली ड्रेस निकाला था पहनने के लिए, तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। सो बस एडिटिंग के टाइम, वॉइस ओवर करने के टाइम भी पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा था, एडिटिंग करने का मन भी नहीं कर रहा था। सो आप लोग प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ अपना ड्रेस, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा ये ड्रेस जो मैं स्पेशली रक्षाबंधन के लिए मैंने निकाला था बट कोई नहीं आया, तो इसको मैंने फिर से समेट के रख दिया। समेट के रखने के टाइम ही मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा था कि मैंने कितना अति करके इसको निकाला था कि मैं पहनूंगी रक्षाबंधन में। तो जरूर बताइए कि ड्रेस कैसा है, और बाबू भी मेरा खींच रहा था इधर ड्रेस को। तो कैसा लगा आज का मेरा ये ड्रेस और लंच, तो मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। क्या बोलूं, मुझे तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आप सभी भाइयों को फिर से हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, और हमेशा आप लोगों से बीमारियां कोसों दूर रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा किन किन लोगों के भाई नहीं आए, कौन कौन आज मतलब रक्षाबंधन की राखी अपने भाइयों को नहीं बांध पाए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किसने किसने इस बार अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी, और कौन कौन से भाई हैं जो अपने बहनों के बहन के यहाँ किसी भी कारण नहीं जा पाए। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय न्यू ब्लॉग में।